योम अशूरा पर सबसे बड़ा आज़ादारी का इज्तिमा पाकिस्तान के किस शहर में होता है? वैसे तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अशूरा के रोज कई जुलूस बरामद किए जाते हैं, जिनमें मुल्क भर से अहले तशी से ताल्लुक रखने वाले हजारों आज़ादारान शरीक होते हैं। कराची, लाहौर, चिन्योट समेत मुल्क भर में 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस और इज्तिमा किए जाते हैं, जहां एक बड़ी तादाद में शिया ज़ायरीन शिरकत करते हैं और गिरिया बका, जंजीर जनी और मातमदारी करते हैं। मगर इन तमाम शहरों में सबसे बड़ा इज्तिमा सिंध के एक छोटे से शहर रोहड़ी में किया जाता है। रोहड़ी में होने वाला अशूरा का जुलूस पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आज़ादारी का इज्तिमा होता है। यहाँ लाखों लोग शिरकत करते हैं और अशूरा के दिन शहीद करबला हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मातम और आज़ादारी का इजहार करते हैं। रोहड़ी दरियाए सिंध के किनारे वाकई एक छोटा सा शहर है। ये शहर पहाड़ी पर बना हुआ है और इसकी गलियां छोटी और तंग हैं। सखर का मशहूर रेलवे स्टेशन भी इस हिस्से में मौजूद है। यहाँ मातमी जुलूस 8 मुहर्रम को बरामद होता है और 2 दिन तक जारी रहता है। इज्तिमा में शमा गुल की रस्म अदा करने के बाद ताजिया बरामद किया जाता है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को ये मातमी जुलूस मुख्तलिफ रवायती रास्तों से होते हुए 10वीं मुहर्रम की शब रोहड़ी स्टेशन के करीब शोधा कब्रिस्तान में इख्तिताम पजीर होता है। इस कदीमी मातमी जुलूस का सिलसिला तकरीबन 550 साल से जारी है। इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर सबीलों और न्याजो लंगर का भी एहतमाम किया जाता है।